गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। 87.5% रहा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, मंडी की प्रियंका और दिवांगी शर्मा टॉपर। स्वारघाट में पैरापेट को तोड़ता हुआ रिहायशी मकान पर गिरा ट्रक, बाल बाल बची 10 जिंदगियां। सुजानपुर में डोली जामा मस्जिद के पास सड़क किनारे मिली युवक की लाश, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। तप रहे हिमाचल पर राहत की रिमझिम, बारिश से दूर हुई उमस भरी गर्मी, किसान बागबान चहके। एक बारिश ने ही खोल दी प्रबंधों की पोल। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज बुधवार को जारी कर दिया गया है। 2021-22 शैक्षणिक सत्र में 87.5% रिजल्ट रहा है। 10वीं बोर्ड रिजल्ट में 90,375 कुल छात्र बैठे, जिसमें 78,573 छात्र पास हुए, 1,409 छात्रों को कंपार्टमेंट रही, जबकि 9,571 छात्र फेल घोषित किए गए। पहले 10 स्थान में 77 छात्र आए हैं, जिनमें 67 छात्राएं हैं, जबकि 10 ही लड़के शामिल हैं। 10वीं के रिजल्ट में निजी स्कूलों ने बाजी मारी। टॉप 10 में 77 स्थानों में से 66 निजी, जबकि 11 सरकारी स्कूलों के हिस्से आए हैं। इससे पहले के रिजल्ट के बारे में बताते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इससे पहले रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही कम रहता था, जिसमें 60% के आसपास ही हर बार रिजल्ट रहा, लेकिन इस बार बेहतर रिजल्ट रहा है। सरकारी स्कूलों के छात्र भी बेहतरीन अंक प्राप्त करके पास हुए हैं। पहले स्थान में मंडी सरस्वती विद्या मंदिर तत्तापानी की छात्रा प्रियंका व एंग्लो संस्कृत स्कूल मंडी की दिवांगी शर्मा ने संयुक्त रूप से 99% 693 अंक प्राप्त किए हैं। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर स्वारघाट से 3 किलोमीटर दूर पंचपीरी स्थान पर बैक करते समय राख से भरा एक ट्रक हाईवे से अनियंत्रित होकर पैरापेट को तोड़ता हुआ रिहायशी मकान पर जा गिरा। ये घटना रात करीब 12:30 बजे की है और उस समय तेज बारिश हो रही थी। ट्रक चालक मौके से फरार है। ये मकान बच्चन सिंह गांव कुटेहला का है। हादसे के समय बच्चन सिंह के परिवार के करीब 10 सदस्य मकान में सोए हुए थे, जो कि बाल बाल बच गए हैं, लेकिन मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ट्रक को भी काफी नुकसान हुआ है। सुजानपुर शहर में एक युवक की लाश सड़क किनारे मिली है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये लाश डोली जामा मस्जिद के पास बरामद हुई है। सूचना मिलते ही सुजानपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मृतक राजू उम्र 32 वर्ष, पुत्र मांगूराम, निवासी सुजानपुर किराए के मकान में रहता था और अत्यधिक शराब का सेवन करता था, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टि में ये मामला अत्यधिक शराब सेवन के बाद गिर जाने से लग रहा है, क्योंकि उसके सिर और नाक में चोट के निशान है। घटना स्थल पर खून भी बहा पड़ा मिला है। पुलिस ने युवक के परिजनों के बयान ले लिए हैं। उपमंडल ज्वाली में हुई बारिश ने पिछले एक सप्ताह से चल रही उमस भरी गर्मी से निजात दिला दी है। लोगों ने बारिश का खूब आनंद लिया। पिछले एक सप्ताह से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, लेकिन बारिश से मौसम में एक बार फिर से ठंडक आ गई है। बारिश से देहर खड्ड में पानी का काफी बहाव रहा। सड़क किनारे बनी निकास नालियां भी पानी से लबालब भर गई। पहली ही बारिश ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी। अधिकतर निकासी नालियां बंद होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर बहता दिखा। बुधवार सुबह हुई भारी बारिश ने हमीरपुर शहर में प्रबंधों की पोल खोल डाली। बस स्टैंड हमीरपुर के बाहर सड़क पर बनाया गया सीवरेज चैम्बर पानी से पूरी तरह भर गया तथा यहां से गंदगी का फवारा फूट पड़ा। चैम्बर से भारी मात्रा में गंदा पानी बाहर निकलने से जहां वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं राहगीर भी यहां पर बचते बचाते निकलते नजर आए। बता दें कि मंगलवार रात और बुधवार सुबह हमीरपुर जिला में तेज बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते बस अड्डा के बाहर सड़क मार्ग पर बना चैम्बर पूरी तरह से भर गया था। यहां से गंदे पानी का फवारा फूट पड़ा। कई घंटों तक यहां चैम्बर से
गंदा पानी सड़क मार्ग पर बहता नजर आया। वाहनों के टायरों से उछलकर ये गंदा पानी राहगीरों पर भी जाकर गिर रहा था। तो आज के मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।